नहीं, यहाँ पे शोल्डर की बिकती है 3 इंचेस और लेंथ ली है 6.5। इसमें हम 3 कोने गला कट करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम इसमें जो ऑपोजिट कलर का डिज़ाइन लगाने वाले हैं वो कपड़े पे ये गला कट कर लेंगे एज इट इज़। उसमें हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा रख ले के मार्क कर लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और उसे हम कट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने इंस्टा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ये हो गई हमारी कटिंग पूरी। अब हम इस पट्टी को ड्रेस के बैक वाले पार्ट में रख के स्टिच कर लेंगे, नेक पर रख के, फ्रंट पार्ट ना होकर बैक पार्ट पर रख के स्टिच कर लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने यहाँ किस तरह से स्टिचिंग कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पट्टी को नेक पर किस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे एडजस्ट में, हर चारों तरफ छोटे छोटे कट्स इसलिए लगाते हैं ताकि कपड़ा ईजिली अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब हम नेक पर पट्टी पे ना होके ऑरेंज कपड़ा जो है हमारे ड्रेस का उस पर एक सिलाई डाल लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़। ऐसे ही और डिज़ाइंस के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो ये हमारी फिक्स सिलाई हो चुकी है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम इस पट्टी को फ्रंट वाले पार्ट पे फोल्ड कर लेंगे, पलटा लेके स्टिच कर लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। आप चाहे तो ये पट्टी बुकरम के साथ भी लगा सकते हैं बिगिनर्स, लेकिन मैंने यहाँ पे बिना बुकरम के ही ये पट्टी लग गई है। अगर आप बिगिनर हैं तो बुकरम के साथ ट्राई करें ये डिज़ाइन। तो हमने ये स्टिचिंग कर ली है। अब हम डिज़ाइन वाले ब्लू कपड़े को अंदर की तरफ 1 फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे एडजस्ट पे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैं यहाँ पे किस तरह से स्टिच कर रही हूँ अंदर की तरफ 1 फोल्ड करके। तो हम ऐसे ही पूरा स्टिच कर लेंगे 3 कोनी। तो ये हो गया हमारा स्टिचिंग और हो गया हमारा नेक डिज़ाइन रेडी।